हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी ने अपने काउंटर टेररिज्म डिवीजन को डिप्लॉय किया पूर्व लद्दाख में एलएसी पर। वेस्ट बंगाल में अपने एस्टेब्लिशमेंट के पास इंडियन नेवी ने डिक्लेयर किए नो फ्लाई जोन। देश में पहली बार टेंपल की सुरक्षा में तैनात होगी डीआरडीओ की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच कंडक्ट की गई पहली सेक्टर कमांडर्स लेवल की मीटिंग। और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर्स की सेगमेंट्स को किया जाएगा सील। आज की वीडियो शुरू करने से पहले सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज पहली बार ओलंपिक गेम्स के पहले ही दिन भारत को अपना पहला मेडल मिल चुका है। और भारत के मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम की वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में सिल्वर मेडल जीतकर ओलंपिक गेम में भारत का खाता खोल दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में ये मेडल जीतने वाली भारत की दूसरी महिला है। और हम उम्मीद करते हैं कि इन ओलंपिक गेम्स में भारत ऐसे और भी कई सारे मेडल्स जीतेगा, और जिसमें केवल सिल्वर नहीं बल्कि गोल्ड भी होंगे। नॉर्दर्न कमांड के तहत फंक्शन करने वाली इंडियन आर्मी की काउंटर टेररिज्म डिवीजन को अब पूर्व लद्दाख में एलएसी पर तैनात किया गया है। और ये तैनाती अभी नहीं बल्कि कुछ महीने पहले ही हो चुकी है। और एएनआई की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व लद्दाख में सीमा पर चीन के किसी भी संभावित एग्रेशन का जवाब देने के लिए जो एक काउंटर टेररिज्म डिवीजन को डिप्लॉय किया गया है, इसमें करीब 15,000 के आसपास ट्रूप शामिल हैं जो कि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन से लद्दाख एरिया में मूव कराए गए हैं। और डिवीजन साइज फॉर्मेशन की जो ये मूवमेंट है, ये इंडियन आर्मी को नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ ऑपरेशंस के लिए अपनी रिजर्व टास्क को मेंटेन करने में मदद करेगी। और इतना ही नहीं बल्कि चाइनीज एग्रेशन को ध्यान में रखते हुए लेह में जो इंडियन आर्मी की 14 कोर है, अब उसके अंडर में दो डिवीजन है जो कि चीन के साथ लगी सीमाओं पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। और वैसे भी जब से गलवान घाटी वाली घटना हुई है तब से एलएसी के हर एक हिस्से पर इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पर है। और जबकि इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट से एक दुखद खबर भी सुनने को मिली है, और वो ये है कि कल 23 जुलाई को कृष्ण घाटी सेक्टर में एक ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी के सिपाही कृष्णा वैद ने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिपाही कृष्णा एक माइन ब्लास्ट की चपेट में आ गए थे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस वीर योद्धा की आत्मा को शांति मिले। शुक्रवार को इंडियन नेवी ने वेस्ट बंगाल में उनके जितने भी इंस्टॉलेशन हैं उसके आसपास के एरिया को नॉन कन्वेंशनल एरियल ऑब्जेक्ट, ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया है। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या सिविल एजेंसीज इन जोन में ड्रोन जैसे एरियल ऑब्जेक्ट्स को ऑपरेट नहीं कर सकती है। और जो ये नो फ्लाई जोन है, ये इंडियन नेवी के सभी एस्टेब्लिशमेंट के पैरीमीटर से 3 किलोमीटर के रेडियस पर है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में स्थित लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में TTD के नाम से जाना जाता है, अब वे भारत के ऐसे पहले टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन बनने जा रहे हैं जो DRDO द्वारा विकसित की गई एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल की सुरक्षा के लिए करेंगे। यानी कि भगवान तिरुपति वेंकटेश्वर के मंदिर की सुरक्षा में अब DRDO की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाएगा। और अभी जब कर्नाटक के कोलार में DRDO ने अपनी एंटी ड्रोन सिस्टम को डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया था, तो इस दौरान TTD की विजिलेंस एंड सिक्योरिटी विंग चीफ गोपीनाथ जेटी भी मौजूद थे। और बाकी DRDO का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये अपने सभी एलिमेंट्स जिनमें डिटेक्शन, जैमिंग और काउंटर मेजर सिस्टम शामिल हैं, उन सभी को मिलाकर इसकी कीमत होती है 25 करोड़ रुपए पर पीस। पर DRDO का कहना है कि अगर इस सिस्टम के 100 से अधिक ऑर्डर दिए जाते हैं तो फिर ये पड़ेगा आपको 22 करोड़ रुपए पर पीस की कीमत पर। आज जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में अभी तक 3 आतंकियों को उनकी हुरों तक पहुंचा दिया गया है। और फिलहाल अभी भी ऑपरेशन जारी है और इस पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान हमारे 3 जवानों के घायल होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। और बाकी आतंकियों से याद आया, अभी हाल ही में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से कहा गया है कि भारत के साथ पाकिस्तान तब तक बात नहीं करेगा जब तक कि भारत 5 अगस्त 2019 वाले अपने फैसले को वापस नहीं लेता है। और इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात कही है उससे तो मानो ऐसा लग रहा है कि हम इनसे बात करने के लिए तो मरे जा रहे हैं। खैर इन्हें हटाइए, बाकी तो हर कोई जानता ही है कि इन दिनों हमारा निकम्मा पड़ोसी कहां पर ज्यादा व्यस्त है। और जबकि अफगानिस्तान के तो वाइस प्रेसिडेंट बार बार इस बात को कह भी रहे हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी और उनकी ISI तालिबान की मदद कर रही है वॉर को सस्टेन करने के लिए। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान और तालिबान के इस गठजोड़ पर एक अलग से वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो को 15,000 लाइक्स मिलते हैं तो हम इन दोनों के रिश्तों को एक्सपोज करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। और बाकी अफगानिस्तान आर्मी चीफ की भारत यात्रा से पहले भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान के साथ भारत के जो रिश्ते हैं उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2011 के माध्यम से ही गाइड किया जाएगा। और इस एग्रीमेंट के मुताबिक भारत अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज की ट्रेनिंग, उनकी इक्विपिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में मदद करने के लिए सहमति देगा अगर अफगानिस्तान इस मामले में भारत से मदद मांगता है तो। बाकी इन सबके अलावा आपको एक जानकारी और दे दें कि कल रात को
जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक और सस्पेक्टेड ड्रोन को साइट किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। और ये जो ड्रोन है कल रात को 8:25 पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट के पालीमोरा एरिया के पास देखा गया था। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास की तरफ से बढ़ती हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है और इसके तहत अफगानिस्तान में रहने आने और काम करने वाले भारतीयों को हर समय अत्यधिक सतर्कता बरतने और सभी गैर जरूरी यात्रा से बचने के लिए कहा गया है। और भारतीय दूतावास का कहना है कि फिलहाल अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति अभी खतरनाक बनी हुई है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि आज सुचेतगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत की BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच सेक्टर कमांडर लेवल की मीटिंग कंडक्ट की गई थी। और फरवरी के महीने में जब से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट पर सहमति बनी है तब उसके बाद से ये इस तरह की पहली मीटिंग है। और इस मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए कमिटमेंट दी है। और जबकि इस मीटिंग के दौरान BSF डेलीगेट्स ने पाकिस्तानी रेंजर्स के सामने पाकिस्तान द्वारा क्रॉस बॉर्डर ड्रोन और टेरर एक्टिविटीज को लेकर भी बात करी है। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक केंद्र की तरफ से BSF को बांग्लादेश सीमा के साथ UAVs की तैनाती को बढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि सीमा पर होने वाले इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग को और भी अच्छे तरीके से टारगेट किया जा सके। और जबकि BSF स्मार्ट टेक्नोलॉजी एडेड फेंस के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं के सेगमेंट्स को सील करने पर भी काम कर रही है। और जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाली फेंसिंग है ये एक सर्विलियंस टूल और वार्निंग सिस्टम दोनों ही तरीके से इस्तेमाल की जाएगी। और एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा होने के बाद फिर BSF प्रूफ्स अपने कंट्रोल रूम से ही एक मॉनिटर के माध्यम से सीमा पर सर्विलियंस कर सकेंगे। और अगर कोई सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो इसमें लगाए गए अलार्म्स तुरंत ही ट्रूप्स को अलर्ट कर देंगे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको ये भी रिमाइंड करा दें कि डिफेंस स्क्वाड भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म कू पर भी उपलब्ध है। तो अगर आपने अभी तक कू पर जाके हमें फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपका कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह ओपन है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।